दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सीवी रमन के द्वारा लिखा गया एक ऐसे वॉटर द एलिक्सिर ऑफ लाइफ। क्या आपको पानी के बगैर चलेगा? आपको खाना दे दिया जाए और उस पर पेप्सी, स्प्राइट, थम्सअप, सोसियो ये सब पिलाया जाए तो क्या आपको चलेगा? तो दोस्तों आप कहेंगे कि हमें चलेगा, तो कितने दिन तक, कब तक चलेगा? दोस्तों ये पेप्सी, थम्सअप, स्प्राइट, सोसियो ये सब आपकी प्यास नहीं बुझा सकते। आपकी प्यास बुझ सकती है तो वो पानी से ही। तो पानी ही जीवन का असली अमृत है। कितनी अजीब बात है, नहीं? ना ही कोई कलर है पानी का, फिर भी वो कितना पावर रखता है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारी प्यास बुझा सकता है। फ्रेंड्स जरा सोचो कि अगर पानी नहीं होता तो क्या होता? शायद हमारा जीवन पानी के बगैर मुमकिन ही नहीं होता, क्योंकि खाने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए सब जगह हम पानी का यूज करते रहते हैं। हम पानी के बगैर नहीं चला सकते दोस्तों, हम पानी के बगैर नहीं जी सकते दोस्तों। सच कहे तो पानी ही असली अमृत है। हमारे इस ऐसे का भी यही टाइटल है, वॉटर द एलिक्सिर ऑफ लाइफ, पानी जीवन का असली अमृत। एलिक्सिर यानी अमृत, शॉर्ट में कहे तो इतना ही कि जल ही जीवन है। पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पानी किस तरह से दुनिया के सारे लोगों की जिंदगी है, कितनी अनमोल चीज है पानी, ये हमें सीवी रमन इस ऐसे के माध्यम से बताते हैं दोस्तों। दोस्तों ऑलरेडी इस ऐसे पर मैंने पहले वीडियो बना रखी है, मगर आज हम उससे भी हटके डीप में इस ऐसे को पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो भी एनिमेशन के साथ। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के एंड तक, आज का हमारा ये ऐसे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ऐसे शुरू करते हैं। सालों से दुनिया इमेजिनरी एलिक्सिर को ढूंढने में लगी हुई है, यानी कि काल्पनिक अमृत को ढूंढ रही है ये दुनिया, जबकि असली अमृत तो उसके पास ही है। अब हम सोचेंगे कि कहाँ है भाई, हमारे पास तो कुछ नहीं। तो सीवी रमन उसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जो प्लेन वाटर है, जो सादा पानी है, वो ही असली अमृत है, क्योंकि अगर वो न हो तो शायद हमारा जीवन मुमकिन ही नहीं। पानी ही जीवन का असली अमृत है। राइटर आगे बताते हैं कि मुझे याद है एक दिन मैं लीबिया और इजिप्ट के बीच जो बॉर्डर थी वहाँ पर खड़ा था, जहाँ एक साइड मिट्टी ही मिट्टी थी और दूसरी साइड नाइल नदी की घाटी। मैं दोनों के बीचों बीच जो बॉर्डर थी वहाँ पर खड़ा था। एक साइड सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी, मिट्टी के सिवा कुछ नहीं था, ना ही कोई पौधा था, ना ही कुछ और सिर्फ मिट्टी ही थी। जबकि दूसरी साइड नदी की घाटी थी, ग्रीनरी थी उस साइड, कई पेड़ पौधे भी थे। दोस्तों अब आप इमेजिन करो, आपकी एक साइड पूरा रन है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है और दूसरी ओर ग्रीनरी है, पानी बह रहा है, कैसा लगेगा आपको? आपकी साइड जो ग्रीनरी है, जो पानी है, वो वाला इलाका आपको अच्छा लगेगा। तो ये डिफरेंस क्यों, किस चीज से हुआ ये डिफरेंस? तो राइटर बताते हैं कि जो नाइल नदी बह रही है, जो पानी बह रहा है, उससे ये डिफरेंस हुआ, पानी की वजह से ये फर्क दिख रहा है हमें। जियोलॉजिस्ट यानी भूविज्ञानी बताते हैं कि ये जो नाइल नदी है वो उसके साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके आती है और फिर वो उसकी जो सीमा होती है, उसका जो एज होता है, वहाँ पर पानी उस मिट्टी को छोड़ते जाता है। दोस्तों पानी में ऐसी शक्ति है जो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो इजिप्ट देश है वो वहाँ की जो नाइल नदी है उससे ही बना है, वहाँ का कल्चर ये पानी से ही बना। अगर वहाँ पर नाइल नदी नहीं होती तो शायद वहाँ पर वो देश भी नहीं होता, वहाँ पर वो पानी चालू ही रहा और चालू ही रहा, जिससे वहाँ पे जो लोग थे वो जिंदा रह सके और अभी तक पानी की वजह से लोग जिंदा है, यानी कि पानी की वजह से ही पूरा इजिप्ट देश बना, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो यार पानी को हल्के में मत लो, पानी हमें मिली गॉड गिफ्ट है, जिसे हम एवरीडे एवरी आवर यूज करते रहते हैं। पृथ्वी पर सबसे वंडरफुल और सबसे शक्तिशाली कोई चीज़ है तो वो है पानी। पानी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में ये पानी का काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल रहा है। हिस्ट्री के साथ साथ अभी प्रेजेंट में भी
पानी का काफ़ी महत्व है, पानी लाइफ को पकड़े हुआ है, बचाए रखा है उसने हमारे जीवन को। राइटर हमें इस ऐसे में आगे बताते हैं कि आज तक विलेज की जो ब्यूटी है वो इसी पानी की वजह से ही टिकी हुई है। दोस्तों, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो तो शायद आपको ये बात मालूम ही होगी। भले ही फिर वो छोटी नदी क्यों ना हो, वो छोटा ही झील क्यों ना हो, पानी विलेज की ब्यूटी में चार चांद लगा देता है। सभी एनिमल्स, बर्ड्स, सभी लोग उनकी प्यास वहाँ से मिटाते हैं। कई लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और उससे खेती करते हैं, उसमें भी खास करके साउथ इंडियन के लोग। अगर हम मैसूर की बात करें तो वहाँ पे जो राइस की खेती होती है वो ज़्यादातर बारिश से इकट्ठा हुआ पानी से या फिर झील से होती है। जब पानी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तब वो नज़ारा देखने लायक होता है। और दोस्तों, अगर आपको मालूम हो तो पहले के लोग सूरज की किरणों से ही समय का पता लगा देते थे, तो यहाँ पर भी जब पानी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तो उससे समय का भी पता चलता है और वो नज़ारा काफ़ी वंडरफुल होता है। मगर जब डार्क रात होती है तब उसी नदी को देखकर डर भी लगता है। बारिश के पानी से जो झील भरा हुआ होता है उसमें जो पानी होता है वही है पानी का असली कलर, वही है पानी का ओरिजिनल कलर। और ये पानी का कलर एटमॉस्फेयर के हिसाब से बदलता रहता है। दोस्तों, ये पानी जब शांत हो तब तो काफ़ी अच्छा है, मगर जब वो उसका डरावना रूप लेता है तब उसकी ऐसी शक्ति हो जाती है कि वो वजन में भारी में से भारी चीज को भी अपने साथ बहा ले जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ पर बाढ़ की बात की गई है। दोस्तों, जब बाढ़ आता है तो क्या होता है उस टाइम पर वो आपको पता ही होगा। इंडिया जैसे देशों में सॉइल इरोशन काफी बड़ा संकट है। सॉइल इरोशन यानी मिट्टी का कटाव, जमीन का कटाव। पानी की वजह से मिट्टी या फिर जमीन का जो कटाव होता है उसको बोलते हैं सॉइल इरोशन। तो ये सॉइल इरोशन इंडिया जैसे देशों में बहुत ही बड़ा संकट है। अचानक जोर से हुई बारिश की वजह से भी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, मगर ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे डैम बना लेने से और उपयुक्त ट्रीज को उगाकर हम इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जोरदार बारिश से या फिर पानी के तेज फ्लो से जो मिट्टी का कटाव होता है, जो जमीन का कटाव होता है, उसको हम रोक सकते हैं। पानी को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ही नहीं होगा तो शायद हम जिंदा नहीं होंगे। नहाने धोने पीने सब जगह हमें पानी चाहिए होता है। सो पानी का काफ़ी महत्व है हमारे जीवन में। पानी ही असली अमृत है, हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी अच्छी तरह से लाइफ एंजॉय कर सके तो हमें पानी को प्रोटेक्ट करना होगा। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे देश इंडिया में बारिश का जो पानी होता है वो मैदानों में या फिर किसी और तरीके से बहने की वजह से वेस्ट हो जाता है, उसको स्टोर नहीं किया जाता। बारिश के पानी का स्टोर नहीं किया जाता, बह जाता है वो पानी। अगर हम उस बारिश के पानी को स्टोर करके रखें तो हमें खेती करने के लिए शायद बारिश का वेट न करना पड़े, काफ़ी यूजफुल साबित होगा वो पानी। आज की सबसे बड़ी यही नीड है कि जो पानी नदी के द्वारा या फिर किसी और तरीके से समुद्र में जाके मिल जाता है उसको हमें रोकना होगा, क्योंकि अगर एक बार वो पानी समुद्र में चला गया फिर वो पानी हमारे लिए किसी काम का नहीं रहता। इंडिया की काफ़ी सारी नीड में से एक नीड ये भी है कि जो जंगल अभी बर्बाद हो गए हैं, जहाँ पर बिना काम के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पर हमें वेल प्लान करके जो हम यूज में ले सके ऐसे पेड़ पौधे उगाने चाहिए और ज़मीन को उपजाऊ बनानी चाहिए, हर जगह हरियाली होनी चाहिए। अगर इस तरह के प्लान के साथ पेड़ पौधे उगाए जाए तो कंट्री को काफ़ी फायदा होता है। अभी के अभी तो वो फायदा हमें नहीं दिख सकता दोस्तों, मगर हमारे बच्चों के टाइम पर आने वाली पीढ़ी के लिए ये काफ़ी यूजफुल साबित होगा। एक तो ये कि इस तरह के वेल प्लान से पेड़ पौधे उगाए जाए तो पानी की वजह से ज़मीन का कटाव नहीं होता, साथ ही बारिश का जो पानी बह जाता है उसे भी हम रोक सकते हैं और पेड़ की जो लकड़ियाँ होंगी वो भी यूजफुल होगी। हम सभी ये तो सुनते रहते हैं दोस्तों कि कल ये नया रेलवे ट्रैक बना, आज ये रोड बना वगैरह,
मगर हम बहुत कम सुनते हैं कि इंडिया में वाटरवे का विकास हुआ, यानी कि पानी के रास्ते का विकास हुआ, ये हम बहुत कम सुनते हैं इंडिया में। जी यही कड़वा सच है हमारे इंडिया के बारे में, हमें इसका स्वीकार करना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी का रास्ता काफ़ी सस्ता रास्ता है, मतलब कि बाय बोट हम एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी कम खर्च में जा सकते हैं, मगर इंडिया में शायद इसका बहुत ही कम डेवलपमेंट होता है। पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, जिससे जो लास्ट के गांव है जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची, वहां पर बिजली पहुंचाई जा सकती है। पानी को इकट्ठा करने से वो ज़मीन में जाता है, जो हमारे खेती के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। सब लोगों की, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो या बर्ड्स, सबकी बेसिक नीड है पानी। पानी सबकी बुनियादी ज़रूरत है। प्लांट में और यहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी पानी का भाग होता है, और ये पानी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए भी पानी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी बॉडी के लिए। पानी काफ़ी सिंपल सा लिक्विड है, फिर भी उसमें उतनी शक्ति है कि वो एनिमल्स और प्लांट को बनाए रखता है। दोस्तों आप ज़रा सोचो तो सही कि आप पानी के बगैर जी सकते हो? जी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए सभी जगह हम पानी का यूज़ करते रहते हैं, तो पानी के बगैर हम नहीं जी सकते। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पानी है तो जीवन है। और दोस्तों हमारा ये ऐसे यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। आशा करता हूँ आपको ये ऐसे समझ आया होगा। और हाँ, आप पानी को बचाइए, पानी आपको बचाएगा। शुक्रिया।